उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी को लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा सभी शासकीय इमारतों में साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि बीते 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते लखनऊ की विशेष रूप से साज सज्जा की गई थी। इसी क्रम में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 22 जनवरी की साज सजावट को 26 जनवरी तक निरंतर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम द्वारा लखनऊ को खूबसूरत बनाने में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा क्या तैयारी की गई है राजधानी लखनऊ में? राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी को लेकर स्टेट फंक्शन जो है यहाँ पे आपने देखा होगा विधानसभा के सामने जो किया जाता है उसको लेके जितनी भी सफाई व्यवस्था रोड की मेंटेनेंस और लाइट और जहाँ सीवर या पानी ये सारी चीज़ें करा ली गई है। आज कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल भी हुआ है उसमें नगर निगम ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ जो हमारा 22 को प्राण प्रतिष्ठान जो संपूर्ण हुआ है उसमें जो लाइट का सिटी ब्यूटिफिकेशन में काम किया गया उसको कंटिन्यू रखा है। सारी सरकारी भवनों पर 26 जनवरी को लाइटनिंग की जाएगी, विशेष लाइटनिंग का प्रबंध किया गया है। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जो G20 रोड और हमारा जो शहीद पथ है उसके कैमरे लाइव करते हुए सेफ सिटी में हमने इंटीग्रेट कर दिया है। सेफ सिटी के भी सारे कैमरे लाइव है। इन कैमरों के माध्यम से म्यूनिसिपल सर्विसेज और जो क्राइम का लेके और या पुलिस की हेल्प से हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं, ये पैनल चल रहा है। और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिल के जो 26 जनवरी का जो हमारा एक पर्व है उसको उत्सव के माहौल में संपन्न कराएंगे।